नमस्कार, तीखी नजर इंडिया न्यूज से मैं अनुराधा कुमारी। सरकार भले ही आदेश जारी कर दी हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। सिर्फ कागजों पर ही मिल रहा है गरीबों को दान। गरीबों के साथ सरकार मजाक कर रही है, जो कि सरकार ने हर राशन कार्ड धारी सभी परिवारों को 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूँ, 1 किलो मसूर की दाल देने का वादा किया था, लेकिन सुल्तानगंज प्रखंड में सिर्फ चावल ही बांटी जा रही है। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए राजद के प्रखंड युवा अध्यक्ष नट बिहारी मंडल ने बताया कि बिहार विधानसभा क्षेत्र के गरीबों, असहाय मजदूरों को सिर्फ चावल से ही जीवन यापन करना पड़ रहा है। सरकार को सिर्फ घोषणाएं करना आता है। बिना राशन कार्ड धारियों को भी राशन देने की बात कही गई थी, परंतु अप्रैल माह बीत जाने के बाद भी अभी तक गरीबों को अनाज नहीं मिल पाया है। गरीब मजदूर नमक भात खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं राजद युवा प्रखंड अध्यक्ष ने सरकार से जल्द राशन उपलब्ध कराने की बात कही है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द गरीब परिवारों को दाल उपलब्ध कराया जाए, जिससे नमक भात खाकर गरीब अपना जीवन यापन नहीं करें। जो है दाल नहीं मिल पा रहा है, कब तक मिलेगा? दाल का आवंटन वगैरह सब तो हो गया है, लेकिन मार्केट से देखिए इस माह दाल का मिलना शुरू हो जाएगा। 15 तारीख से दाल का वितरण लगभग चालू हो जाएगा। क्या नाम है? जिस प्रकार सूचना मिल रहा है, श्रवण कुमार विश्वास हुआ। क्या है आप? यहाँ के डाटा एंट्री ऑपरेटर है। कार्डधारियों को अब तक दाल नहीं मुहैया कराया, इस बारे में क्या करना चाहेंगे? मैं नट बिहारी मंडल प्रमुख प्रतिनिधि सुल्तानगंज सह वार्ड सदस्य भी हूँ। मैं लगातार सभी डीलर से संपर्क में हूँ और संपर्क कर भी रहा हूँ। प्रत्येक डीलर के यहाँ जा के दुर्लभ की बात है कि आज भी सभी बीपीएल कार्ड धारियों को दाल नहीं मुहैया हो रही है। प्रशासन से बात करते हैं, प्रशासन भी बोल रहे हैं कि दाल भाई हमको मिला नहीं है, तो हम जाएंगे वितरण कैसे करेंगे। ये स्थिति पूरे बिहार में, खास करके मैं सुल्तानगंज प्रखंड की बात करूंगा, सुल्तानगंज भागलपुर जिला की बात करूंगा, यहाँ पर कहीं भी दाल की उपलब्ध व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार बिल्कुल तरह से पस्त और निराश हताश हो गई है। इस स्थिति में कैसे उन लोगों का जीवन यापन हो रहा है? दाल भात की बात तो खत्म कीजिए, मौर भात खाकर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं किसी तरह से। इसलिए मैं सरकार से अविलंब मांग करता हूं कि समुचित व्यवस्था करके दाल का वितरण करवाइए, अन्यथा नहीं तो जनता सड़क पर आ जाएगी। इसके लिए क्या आपकी पार्टी क्या करेगी? हमारी पार्टी सड़क पर आ जाएगी, जनता के साथ, जनता के बीच में रहने वाले हम लोग हैं, और हर वक्त जनता की भलाई की बात करूंगा, जनता की रहन सहन पर बात करूंगा। यही नहीं बैठूंगा, चुप नहीं बैठूंगा। मैं प्रमुख प्रतिनिधि सुल्तानगंज नट बिहारी मंडल। चावल गेहूं मिलता है, लेकिन दाल नहीं मिलता है। हम लोग अपना काम धंधा भी बंद हो गया है, कमाने लायक भी कहीं नहीं जाते हैं कमाने के लिए, इसलिए हम लोग पूरा गरीब मजदूर लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? हमने आप कैसे खाना खा रहे हैं अभी? नमक खाना तो अभी नमक रोटी जो मिल रहा है उसी खा रहे हैं, कहीं काम धंधा करने के लिए नहीं जा रहे हैं, इसलिए जो घर में है सूखा भूखा उसी खा के अपना अर्पण कर रहे हैं। इसलिए दाल भी मांग कर रहे हैं? हाँ, दाल हम लोग भी मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को दाल मिल नहीं रहा है। क्या नाम है? अजय कुमार यादव। प्रखंड सुल्तानगंज का सरपंच पति तुलसीदास बोल रहे हैं। हमारे पंचायत में सरकार ने बोले थे कि पूरा जो दाल का जो कमी अभी तक नहीं आया है। हमारे पंचायत में बहुत गरीब लोग हैं जो कि अभी तक मोर भात भी खा रहे हैं, किसी को खाना भी नहीं मिला। ऐसा बात है, निकन डीलर द्वारा जो चावल वाल मिल रहा था अभी तक दाल तक नहीं मिला है, उसके कारण बहुत गरीब ऐसा है कि मार बार खा रहा। हाँ, उन लोगों को दाल सरकार से। हाँ, सरकार के गुजारिश कर रहा हूँ, जो आप वादा किए थे उसको दाल दे। क्या नाम बताए? तुलसीदास, ग्राम पंचायत मैसी सरपंच।
उसमें राशन कार्ड धारियों के लिए दाल आया है कि नहीं? नहीं, दाल अभी नहीं आया है। इस मंथ दाल बोला है, देखिए लास्ट तक तो बोला है, लेकिन अभी अभी तक आया नहीं है, जिला में ही नहीं आया है। Press the bell icon on YouTube and never miss another update.